प्रदेश में मजदूरों की बसों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार और कांग्रेस के बीच का विवाद जोरों पर है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अब इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है। सचिन पायलट ने बसों को रोके जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बीच नोएडा में 100 बसों को लेकर पहुंचे 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप उस शुरुआत में बता दें, बीते 4 दिनों से कांग्रेस की करीब 400 बस उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर राजस्थान के भरतपुर में खड़ी होकर यूपी सरकार की अनुभूति का इंतजार कर रही है। कांग्रेस इन बसों के जरिए उत्तर प्रदेश में पैदल चल रहे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का अभियान चलाने वाली थी, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। वहीं इस मामले पर सचिन पायलट, जो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस लोगों के लिए भोजन और बसों की व्यवस्था कर रही है तो हर सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए। सीमाओं पर अनुमति प्रदान नहीं करना, नेताओं को गिरफ्तार करना और ओछी राजनीति करना, क्या ये उचित है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी सरकार बसों को अनुमति नहीं दे रही। राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पुलिस में मामला दर्ज कराने का अधिकार तो बनता है, क्योंकि यूपी सरकार के ACS होम के द्वारा प्रियंका गांधी के निजी सचिव को लेटर लिखा गया था और कहा गया था कि बसों के लिए अनुमति दी जाती है, लेकिन बसें अभी भी बॉर्डर पर खड़ी हैं। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक इस पूरे मामले पर अपनी अपनी टिप्पणियां पेश कर रहे हैं। लगातार ट्विटर वॉर पर योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा आमने सामने खड़े हैं। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।